हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर को उस सपने के बाद से बहुत बेचैनी होने लगी। उस दिन से राजवीर का दिल जोरों से बोल रहा था, अनुष्का जिंदा है और किसी बड़ी मुसीबत में होगी। रात हो गई थी, अभी भी राजवीर ऑफिस में ही था। अनुष्का के जाने के बाद से राजवीर हमेशा से ही ऑफिस के कामों में बिजी रहता था, चाहे दिन हो या रात। आज भी राजवीर ऑफिस में ही था। राजवीर ऑफिस के बालकनी में बैठा था, उसके हाथों में अनुष्का की तस्वीर थी। राजवीर की आंखें लाल थी। एक यही तो वक्त था जब राजवीर खुलकर अपने की बात अनुष्का के तस्वीर से कह देता था, नहीं तो पूरी दुनिया के सामने अब कुछ और ही था। ऑफिस का पूरा स्टाफ राजवीर की परछाई से भी डरता था। इधर अनुष्का के महल में अभी भी 4 महीने से सिर्फ मातम ही था। काव्या अब डिप्रेस हो गई थी, उसे अपने बच्चे के बारे में भी फिक्र नहीं होती थी। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था, ऐसे ही अगर चलता रहा तो बच्चा खतरे में आ सकता है, इसलिए उनको टाइम से खाना खिलाएं और जितना हो सके उनका ख्याल रखें। समीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो कैसे संभाले काव्या को जो सदमे में थी। इधर दूसरी तरफ सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली में अनुष्का को इंजेक्शन दिया गया था। अनुष्का को होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो बस समझ रही थी कि ये एक बुरा सपना है, लेकिन उसे क्या पता था वो बहुत ही खतरनाक जगह फंसी हुई है, जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अनुष्का के बगल में एक नर्स उसे समय समय से मेडिसिन देती रहती है। 4 महीने से उसे अनुष्का की देखभाल के लिए रखा गया था और समय समय में इंजेक्शन भी देती रहती थी, जिससे अनुष्का बस बेसुध होकर पड़ी रहती थी। अभी भी जब से उसने अनुष्का को इंजेक्शन लगाया, तब से अनुष्का बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ी थी। उसका दिल हमेशा बोलता है कि उसका राजवीर उसे ज़रूर बचा लेगा। इधर राजवीर के पास एक कॉल आता है। राजवीर फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से राजवीर का एक खास जासूस ने बोला, सर हमें एक चीज़ मिली है। राजवीर ने बोला, बोलो क्या मिला है? जासूस ने बोला, सर हमें सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिला है। 4 महीने पहले ये आपके उस हादसे वाले महल के पीछे वाले इलाके का है। ये फुटेज हमसे कोई छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर हमने बहुत ही मुश्किल से फुटेज को ढूंढ लिया है। राजवीर कहता है, कुछ पता चला उस फुटेज से अनुष्का के बारे में? जासूस बोला, सर उस धमाके से अनुष्का मैडम की मौत नहीं हुई है, क्योंकि धमाके के कुछ मिनट पहले ही कई सारे लोगों ने मैडम को एक कार में बिठा के लेके चले गए थे, जिससे पता चलता है उस हादसे में अनुष्का मैडम की मौत नहीं हुई है। राजवीर खुशी से मन में कहता है, मुझे पता था तुम जिंदा हो अनुष्का। फिर तभी उसने जासूस से कहा, उस कार का पता चला कुछ? जासूस बोलता है, नहीं सर, फुटेज में उस गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा, पर सर आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजवीर कहता है, किसी भी हालत में उस कार का पता लगाओ और जल्द से जल्द मुझे अनुष्का की जानकारी चाहिए, किसी भी हालत में। ये कहकर राजवीर फोन को कट कर देता है। इस एक आशा ने ना जाने राजवीर को कितनी खुशियां दे दी। पिछले 4 महीने से उसके दिल की पुकार, जो उसे चीख चीख कर बोल रही थी कि अनुष्का जिंदा है, वो अब सच होने जा रहा था। दूसरी तरफ कॉल कट होने के बाद राजवीर का जासूस फोन को देखते हुए बोला, पता नहीं कौन बदनसीब है जिसने सर की वाइफ के साथ ऐसा किया है। अब राजवीर सर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर सारी फुटेज राजवीर सर के फ़ोन में सेंड कर देता है और अपने काम में लग जाता है। इधर राजवीर के फ़ोन में जैसे ही फुटेज आती है, उसने उस फुटेज को देखना चालू कर दिया। इसमें अनुष्का बेहोश थी और कुछ लोग उसे उठा के कार में ले जा रहे थे, पर उन लोगों का चेहरा ढका हुआ था। इसे देखने के बाद राजवीर का पारा हाई हो गया था। उसने मन में ठान लिया, जिसने भी ये किया उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसने मेरी अनुष्का को मुझसे दूर किया है, मैं भी तो देखूं कौन है
जो राजवीर खुराना से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। अचानक से राजवीर का फोन बजा। ये समीर का कॉल था। राजवीर ने कॉल उठा लिया। समीर बोला, क्या हुआ राजवीर, तू अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? कब तक ऐसे करता रहेगा? घर वाले हमेशा की तरह परेशान हो रहे हैं। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। समीर बोला, क्या हुआ राजवीर, कुछ हुआ क्या? अच्छा ये बता, क्या कर रहा है? अभी भी तू ऑफिस में ही है ना? राजवीर ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, किसी ने राजवीर खुराना से पंगा लेने की कोशिश की, बस उसे ही नरक में पहुंचाने वाला हूँ। समीर को उसकी बात समझ नहीं आई, पर उसे इतना तो पता चल ही गया था कि ज़रूर कुछ बात है। उसने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है राजवीर। राजवीर ने उसे पूरी बात बता दी। ये सुनकर समीर एकदम से चौंक गया। उसने बोला, इसका मतलब मेरी बहन जिंदा है? उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। राजवीर ने बोला, हाँ अनुष्का जिंदा है, बस उसके बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ, पर जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी अनुष्का कहाँ है। पर अभी के लिए ये बात घर वालों को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमें जब तक अनुष्का का पता ना लग जाए तब तक हमें ये बात सबसे छुपानी है, नहीं तो अनुष्का की जान को खतरा हो सकता है। जिसने भी ये सब किया है, अगर उसे पता चल गया कि हमें ये पता चल गया है कि अनुष्का जिंदा है, तो वो चौकन्ना हो जाएगा। अभी तो बस काव्या का ख्याल रख तू, बाकी मैं संभाल लूँगा। समीर हाँ बोलता है और फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ अनुष्का के हाथ पांव बंधे थे और कुणाल उसके सामने बैठा था। कुणाल उसे मुस्कुराकर देख रहा था और वही अनुष्का उसे गुस्से में घूर रही थी। कुणाल उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मैंने आपको मेरी बात मानने को कहा था, मैंने आपका 4 महीने से हाँ का इंतज़ार किया, पर आपने हमेशा मना किया। आप तो बस उस राजवीर का इंतज़ार कर रही थी, और मैंने कितनी बार कहा है कि वो नहीं आएगा। मैंने तुम्हें ऐसी जगह छुपा के रखा है, उसे तो क्या, उसकी 7 पुस्तों को भी इस जगह का पता नहीं चल पाएगा। तुम अब मान जाओ मेरे से शादी करने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, फिर मेरे को भी पसंद नहीं आएगा ये। तभी कुणाल अनुष्का को गंदी नज़र से देखने लगता है। अनुष्का बोलती है, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी, और मुझे पता है राजवीर ज़रूर आएंगे, और मैं अनुष्का हूँ, कभी हार नहीं मानूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुमने मेरे साथ इन 4 महीनों में जो भी किया है, मैं इन सब का बदला लेकर ही रहूँगी। तभी अनुष्का की बात सुनकर कुणाल बोलता है, हाय कितनी प्यारी लगती हो इस रानी सा के अवतार में बोलती हुई, तभी सोचूं उस राजवीर ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। तुम तो फिगर से भी और बोली से भी हर तरीके से बहुत ही सुंदर हो। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरा तुम पर दिल आ गया था। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी रानी बना कर रखूँगा, लेकिन तुम्हारी वो सच्चाई जब मुझे पता चली कि तुम मेरे बाप के कातिल की बेटी हो, तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूँगा। पर क्या करूँ, तुम इतनी सुंदर भी तो हो, तो तुम्हें मैं कैसे किसी और को दे दूँ? तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा और अपना बना कर ही रहूँगा। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा वो राजवीर कैसे बचाने आता है तुम्हें। ये कहकर कुणाल अनुष्का के गालों को सहलाने लगा। अनुष्का गुस्से से चिल्ला पड़ी, अपने गंदे हाथ हटा लो, ये तुम बहुत ही बुरा कर रहे हो, एक बार तुम मेरे हाथ पैर खोल दो, फिर मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अनुष्का की बात सुनकर कुणाल हंसने लगा, अरे इसी अदा में तो हम आपके फिदा हैं, मैं अपने बाप का बदला भी लूँगा और तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। ये कहकर कुणाल वहाँ से चला जाता है। अनुष्का को पता ही नहीं था वो कहाँ है, लेकिन फिर भी वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी, आखिर कहीं तो कोई रास्ता होगा। इन 4 महीनों में ना जाने अनुष्का ने कितनी बार भागने की कोशिश की, पर इंजेक्शन के असर से वो हमेशा बेसुध होकर गिर जाती थी। कुणाल को अच्छे से पता है कि अनुष्का एक बेहतर रानी सा है, उसने तो खुद एक बार अपने आदमी उसके पास भेजे थे, पर अनुष्का ने उसका हाल कितना खराब कर दिया था, इसीलिए उसे इंजेक्शन देता था जिससे अनुष्का
होश में तो रहती थी पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। तभी वही नर्स आती है और उसके सामने एक शादी का जोड़ा पकड़ा देती है और बोलती है, इसे पहन लो। कुणाल सर ने कहा है कि वो आज आपसे शादी करेंगे और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अनुष्का ने उस ड्रेस को देखा, फिर उसे गुस्से में फेंक दिया। तभी रूम का दरवाज़ा खुला, कुणाल शेरवानी पहने हुए अंदर आ जाता है। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, अनुष्का मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है 4 महीनों से, पर अब नहीं, आज मैं ज़बरदस्ती ही सही पर मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। मैं अपने पापा का बदला लेकर ही रहूँगा। मेरे पापा ने तुम्हारी माँ से प्यार किया पर वो उनकी नहीं हुई, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी कर ही रहूँगा, तुम सिर्फ मेरी होगी, इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अनुष्का ने गुस्से में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे पापा गलत थे और तुम भी गलत हो। तुम्हारे पापा की किए की सज़ा मेरे पापा ने दिया था उन्हें और तुम्हारे किए की सज़ा मेरा राजवीर देगा, समझे? कुणाल ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा राजवीर तुम्हें बचाने आएगा? ये कोई मूवी नहीं है जो हीरो अपनी हीरोइन को बचा ले विलन के जाल से। ये हकीकत है और हकीकत में आज विलन की जीत होगी। और वैसे भी तुम्हारे राजवीर को तो पता ही नहीं कि तुम जिंदा भी हो। राजवीर तो क्या, पूरे राजस्थान को पता है कि तुम मर चुकी हो, फिर कैसे राजवीर तुम्हें बचाने आएगा? मैंने तुम्हारी शादी वाले दिन धमाका किया था, उन्हें क्या पता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कमरे में बेहोश करवा दिया था और फिर तुम्हें उठा लिया था, उसके बाद उस कमरे में धमाका करवाया। धमाके से पहले तुम्हारे गहने उधर ही फेंक दिए थे जिससे सबको लगे कि तुम मर चुकी हो, और तो और तुम्हारा अंतिम संस्कार भी हो गया है। ये कहकर कुणाल बहुत खतरनाक हंसी हंसने लगता है। चल अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अनुष्का कहती है। कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, मेरा राजवीर जरूर आएगा, तुम बस अपनी परवाह करो, क्योंकि मेरा राजवीर तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुणाल उसकी बात को इग्नोर करके नर्स को बुलाकर कहता है, इसे जल्दी तैयार कर दो, अगर इसने नखरे किए तो इसे इंजेक्शन दे देना और फिर तैयार करना, आज कुछ भी हो जाए शादी तो होकर ही रहेगी। दूसरी तरफ काव्या के पेट में अचानक दर्द होता है। समीर उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके पीछे सभी घरवाले भी पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल के बेड पर काव्या पड़ी थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। रूम के बाहर राजवीर की दादी और पूरा परिवार समीर को संभाल रहे थे। दादी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि एक बच्चे की खुशी तो बर्बाद कर दी पर अब मेरे दूसरे बच्चे की खुशियों को मत छीनिए। तभी रूम का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आए, समीर और बाकी लोग उनके पास चले गए। डॉक्टर ने उनको देखा और फिर कहा, हमने आपकी पत्नी को तो बचा लिया पर आपके बच्चे को नहीं बचा पाए और मुझे खेद है, अब वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। आपकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी इसलिए वो अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको अपनी पत्नी को दुख से बाहर निकालना होगा, पहले ही आपकी पत्नी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और अब उनका मिसकैरेज हो गया है, तो उनका ख्याल रखिए। और मुझे पता है कि अनुष्का रानीसा की मौत से वो बिल्कुल सदमे में चली गई है, लेकिन अब उन्हें अगर अपना मिसकैरेज का पता चला तो उनकी कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। समीर ये बात सुनकर चौंक जाता है, बाकी घर वाले का भी यही हाल था। इधर राजवीर के जासूस ने राजवीर को कॉल किया, राजवीर ने कहा, कुछ पता चला? जासूस ने कहा, सर हमें पता चल गया अनुष्का रानीसा कहाँ है, उस दिन उस गाड़ी से मैम को एक सुनसान जगह के पुराने महल में रखा गया है। राजवीर ने कहा, मुझे लोकेशन सेंड करो और जल्दी से सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाओ, मैं अभी निकल रहा हूँ। उधर अनुष्का को उस नर्स ने तैयार करवा दिया था। अनुष्का उसे पूरी ताकत से धक्का दे रही थी इसलिए नर्स ने उसे गुस्से में इंजेक्शन लगा दिया और फिर अनुष्का को तैयार कर दिया। अनुष्का चाहकर भी कुछ ना कर सकी, अनुष्का को ज़बरदस्ती मंडप पर बिठा दिया गया। अनुष्का धीरे धीरे बोलने लगी, मुझे ये शादी नहीं करनी,
लेकिन उसकी बातों का किसी पर भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। पंडित जी भी कुणाल के डर के कारण ये शादी करवाने पर मजबूर थे। पंडित जी मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं। फिर कुछ देर बाद पंडित जी कुणाल और अनुष्का को फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं। कुणाल ने बेसुध अनुष्का को पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसे फेरों के लिए अपनी बाहों में ले लिया। फिर कुणाल ने फेरे लेने शुरू कर दिए। इस बीच अनुष्का ने कुणाल को रोकने की पूरी कोशिश की, पर अनुष्का का कोई भी असर कुणाल को रोक नहीं पा रहा था। अनुष्का राजवीर को बहुत याद करने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बीच कुणाल और अनुष्का का फेरा पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड में जानेंगे क्या कुणाल और अनुष्का की शादी हो जाएगी, क्या हमारा हीरो यानी कि राजवीर अपनी अनुष्का को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर देगा, और क्या होगा जब पूरे परिवार वालों को पता चलेगा कि उनकी अनुष्का अभी जिंदा है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।